नमस्कार, मैं हूं सागर। आप देख रहे हैं इंडियन ट्रांसपोर्ट टूर चैनल को। हमारे भारत में 17 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, जिसमें कोलकाता, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, अमृतसर, गुवाहाटी, गोवा, जयपुर, कोझिकोड, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोची, नागपुर और पोर्ट ब्लेयर, ऐसे 17 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है जो काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो एयर ट्रैफिक होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। एयर ट्रैफिक ज़्यादा होने का कारण ज़्यादा पैसेंजर्स, और पैसेंजर्स को एयरप्लेन में कम से कम टाइम में बोर्ड करना सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। बोर्डिंग टाइम को कम करने के लिए एयरपोर्ट्स पर PBB यानी पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिजेस का सहारा ले जाता है। ये क्या होते हैं? एयरपोर्ट बिल्डिंग से प्लेन तक जाने के लिए एक ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसे हम पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज यानी एरो ब्रिज भी कहते हैं। अभी कुछ जगह पे ये पॉसिबल है, पर कुछ एयरपोर्ट्स पर ये अवेलेबल नहीं होता है। जिस एयरपोर्ट पर एरो ब्रिज की फैसिलिटी नहीं होती है, वहां पर एयरपोर्ट बसेस का सहारा लिया जाता है, जिसे कि टर्मैक बसेस जिसे हम कहते हैं। इन एयरपोर्ट बसेस की खासियत क्या होती है? इनमें मैक्सिमम पैसेंजर्स आ सकते हैं, इनका लगेज स्पेस काफी बड़ा होना चाहिए, इसमें काफी बड़ी फ्लोरिंग स्पेस मिलनी चाहिए पैसेंजर्स को, और इसमें बीकन वगैरह जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन एयरपोर्ट के वो लगे होने चाहिए। तो एयरपोर्ट की जो बसेस होती है वो खासकर कस्टमाइजेबल बसेस होती है, मतलब उसको एक ऑर्डर देकर बनाना पड़ता है, ये कोई नॉर्मल बसेस नहीं होती है। इनमें बहुत सारे फीचर्स वगैरह अलग अलग होते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट का जो एरिया होता है वो ऑलमोस्ट 2,000-3,000 एकर्स में होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है, और वहां पर जो ऑपरेशंस होते हैं उनका एक फिक्स स्पीड लिमिट होता है, मतलब जैसे कि बसेस 30 किलोमीटर पर आर के स्पीड से चलेगी, वहां पर जो नॉर्मल व्हीकल्स है, जो छोटे छोटे व्हीकल्स है, ऑपरेशनल व्हीकल्स, उनकी लिमिट 15-20 किलोमीटर पर आर होती है, और कुछ कुछ जगह पर मैक्सिमम 35-40 किलोमीटर पर आर का लिमिट वहां पर होता है। तो इन बसेस को भी वैसा ही चलना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं मेड इन इंडिया टर्मैक बस के बारे में, जो है वीरा टर्मैक बस। हमारे भारत के बहुत ही मशहूर बॉडी बिल्डर वीरा वाहना उद्योग लिमिटेड ने इस बस का निर्माण किया है। इस बस का निर्माण एयरपोर्ट अथॉरिटी और ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से किया गया है। चले सबसे पहले इस गाड़ी के इंजन के बारे में जानते हैं। इस गाड़ी का इंजन यूरो 4 कैटेगरी का है। इसमें एलिसन कंपनी का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लगा हुआ है, जिसमें आपको गियर सिलेक्टर भी मिल जाता है। इसी के साथ साथ इस गाड़ी में आपको कुल 6 डोर्स दिए गए, यानी 6 डोर्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। इस गाड़ी में जो सीटिंग कैपेसिटी है वो कम से कम रखी गई है, और इस गाड़ी में फ्लोरिंग स्पेस काफ़ी ज़्यादा दिया गया है। इस गाड़ी में एट ए टाइम 106 यानी 106 पैसेंजर्स इस गाड़ी में एट ए टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। गाड़ी में जो फ्लोर स्पेस है वो काफ़ी बड़ा है, जिसके कारण वहाँ पर जो स्टैंडिंग एरिया होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। हमारे नॉर्मल जो बड़ी बसेस होती है उनमें सीटिंग होती है, पर इसमें सीट्स की संख्या बहुत कम है। यहाँ पर फ्लोरिंग स्पेस ज़्यादा होने के कारण, जैसे कि मेट्रो में होता है, तो वैसे यहाँ पर जो स्टैंडिंग स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसके कारण इस गाड़ी में 106 लोग आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब एयरपोर्ट में ट्रैवल कितना करना होता है कि ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर यानी 15-20 मिनट तक ही ट्रैवल करना होता है, जिसके लिए स्टैंडिंग आदमी जा सकता है। इस गाड़ी की जो फ्लोर हाइट है, मतलब ये गाड़ी जब चलती है तो इस गाड़ी का फ्लोर जमीन से 36 सेंटीमीटर यानी 360 मिलीमीटर ऊपर रहता है जमीन से, और ये गाड़ी जब रुकती है तो इस गाड़ी की नीलिंग हाइट यानी जब गाड़ी रुकती है और डोर खुलते हैं तो इस गाड़ी की हाइट ऑलमोस्ट 280 मिलीमीटर हो जाती है, यानी 8 सेंटीमीटर ये गाड़ी नीचे होती है, जिसके कारण पैसेंजर्स को नीचे उतरने के लिए और गाड़ी में चढ़ने के लिए मदद होती है। इसी के साथ साथ इस गाड़ी की जो कुल लंबाई है वो ऑलमोस्ट 14.4 मीटर है, और इस गाड़ी की जो विड्थ है वो 3 मीटर है। एक वॉल्वो बस की जो विड्थ होती है वो चाहे B11R हो चाहे वो B8R हो, इन दोनों गाड़ियों की जो विड्थ है वो 2.6 मीटर के आसपास है, और जो टाटा, अशोक लैंड, भारत बेंज, आइशर, इनकी बसेस है, उनकी भी जो विड्थ होती है वो ऑलमोस्ट 2.5-2.6 मीटर तक होती है, पर इस बस उनसे कई ज्यादा है, मतलब 3 मीटर यानी 400 मिलीमीटर ज्यादा है। इसीलिए इस गाड़ी में फ्लोरिंग स्पेस भी आपको बड़ा मिल जाता है। इस गाड़ी में एक खास फीचर दिया गया है जो है ड्यूअल एग्जॉस्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है दोस्तों कि अगर गाड़ी के दरवाजे लेफ्ट साइड से खुलते हैं तो उस साइड में एग्जॉस्ट नहीं होगा, इस गाड़ी का एग्जॉस्ट शिफ्ट होकर राइट साइड में आ जाता है, और अगर इस गाड़ी के दरवाजे राइट साइड में खुलते हैं तो इस गाड़ी का एग्जॉस्ट लेफ्ट साइड में होगा। मतलब जब कभी गाड़ी प्लेन के पास जाती है तो वहां पर गाड़ी जो होती है वो चालू ही होती है, मतलब उसको बंद नहीं कर सकते, क्योंकि उन पैसेंजर्स को छोड़कर वो गाड़ी फिर से नए पैसेंजर्स को लाने के लिए जाती है, तो इसके लिए वो गाड़ी चालू ही रहती है। गाड़ी जब खड़ी होती है और उसके जो हाइट है वो कम होने के कारण वहां पर एग्जॉस्ट गैस का, मतलब ऐसा बहुत ज्यादा एरिया में एग्जॉस्ट गैस फैल जाता है, जिसके कारण दोस्तों वहां पर पैसेंजर्स को सफोकेशन हो सकता है। इसी के कारण इस गाड़ी में जिस साइड में डोर्स खुलेंगे उसके अपोजिट साइड में इस गाड़ी का एग्जॉस्ट शिफ्ट होता है। ये काफी बेहतरीन फीचर इस गाड़ी में दिया गया है। इस गाड़ी की कीमत की बात कर ले तो इस गाड़ी की कीमत शुरू होती है 80 लाख रुपए से और खत्म होती है 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक, क्योंकि
इस गाड़ी में आपको ढेर सारे कस्टमाइजेबल ऑप्शन मिल जाते हैं। वीरा वाहना ने काफी अच्छा प्रोडक्ट एविएशन इंडस्ट्री के लिए लॉन्च किया है और काफी सराहना मिलती है इस गाड़ी को, क्योंकि इस गाड़ी की लंबाई, इस गाड़ी की विड्थ और इस गाड़ी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन काफी अच्छा है। गाड़ी की पैसेंजर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू टाटा, अशोक लैंड और बाकी की बसेस से। पर दोस्तों, वीरा वाहना अकेली बस नहीं बनाती, इसमें जो इंजन वगैरह होता है वो आउटसोर्सिंग करके लेती है। एलिसन का गेयरबॉक्स इसमें लगता है और जो चेसिस वगैरह है तो वो मतलब कुछ कुछ कंपोनेंट्स वीरा बनाती है, कुछ कुछ कंपोनेंट्स बाहर से मंगाते हैं। पर भारत में इसके अलावा टाटा बनाती है, अशोक लैंड बनाती है और बहुत सारी कंपनियां जो एयरपोर्ट बसेस है वो बनाती है। दोस्तों, वीरा की टर्मैक बस बहुत सारी कंट्रीज को एक्सपोर्ट होती है और ये पर महीने में 6 से 7 बसेस वीरा के प्लांट में बनती है और इसका जो रिस्पॉन्स है काफी अच्छा है, क्योंकि ये गाड़ी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सबसे बनी है। इसके लिए मतलब इसकी डिमांड भी काफी अच्छी खासी है। तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास वीरा टर्मैक बस के बारे में। अगर आपको वीरा टर्मैक बस की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।